हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आई एम अनुराधा और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि मैं इस सेशन में एक ऐसे क्वालिटी के बारे में बात करूंगी जिसके थ्रू आप बहुत इजीली अपने अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। एंड दिस इज द क्वालिटी दैट यू विल नेवर हियर फ्रॉम एनीवन, नो वन विल एवर टेल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वालिटी दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू एस द एसएसबी इंटरव्यू। सो लेट अस नो व्हाट दिस क्वालिटी इज। This quality is none other than calmness. जी हाँ, अगर आप बिल्कुल शांत हो, काम दिमाग के हो, आप रिलैक्स माइंड से डिसीशंस ले सकते हो या रिलैक्स माइंड से सोच सकते हो, आप बहुत ही काम एंड कंपोज्ड हो, देन यू आर ऑलरेडी हाफ वन। ओके, तो देख लेते हैं कामनेस इतना इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्यों है। क्योंकि कामनेस आपको एक चांस देता है आपके आसपास ऑब्जर्व करने को और समझने को। दिस इज वेरी हार्ड टू डू व्हेन योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली चर्निंग एंड रिएक्टिंग। तो इसके वजह से हम कहते हैं कैंडिडेट्स को आप मेडिटेशन करो अगर आपका दिमाग काम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि काम दिमाग, एक शांत दिमाग ही आपको कोई भी जगह पे सक्सेस पाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। सो विथ कामनेस योर इंटेलेक्चुअल माइंड कैन ऑल्सो किक ऑफ एंड इट विल हेल्प यू टू मेक वेरी इफेक्टिव डिसीजंस। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अपने हर दिन के लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कैसे आपको ये कामनेस को प्रोजेक्ट करना है या प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज को याद रखना है कि कामनेस के सबसे बड़े एनिमीज होते हैं एंगर एंड फियर। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो, आपका हमेशा गुस्सा आता है या आप डर के रहते हो, तो ये गुस्से से और डर से बेसिकली क्या होता है कि आपके जो थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, विच वी ऑल्सो नो कॉल्ड कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ज्यादातर अफेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से आप ठीक से सोच नहीं सकते, ठीक से डिसीशन नहीं ले सकते। सो देयरफॉर आपको अपना पहले एंगर और फियर को कंट्रोल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक योर माइंड एब्सोल्युटली काम। उसके बाद है कि कोई भी एडवर्स सिचुएशन आ जाए जहां पे आप जैसा सोच रहे थे वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो उसमें कभी भी आपको विचलित नहीं होना है, कभी भी आपको अपना ह्यूमर को लूज नहीं करना है। डोंट बैंग योर हेड ऑन द वॉल थिंकिंग कि क्या हो गया मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो आपको क्या करना है, बेसिकली यू हैव टू टेक दैट सिचुएशन कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है ऐसा कभी कभी। ब्रिंग फॉरवर्ड योर सेंस ऑफ ह्यूमर, टेक इट लाइटली एंड ट्राई टू मूव ऑन एंड रीडू द स्टफ। द नेक्स्ट थिंग टू डू इज जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो, आपका स्पीकिंग स्पीड और थिंकिंग स्पीड दोनों एक ही जैसा होना चाहिए। दैट इज आप जब कुछ बोल रहे हो तो आपका सोच, आप जो सोच रहे हो उसमें सिंक्रोनाइजेशन रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सोच कुछ रहे हो, बोल कुछ अलग रहे हो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, फॉर देम इट इज ओके। बट अगर आप ऐसे हो जो बिल्कुल भी बोल नहीं पाते, अपने सोच को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और बोलने के बाद ऐसा लगता है कि मैं तो बोलना चाह रहा था कुछ और बोल दिया कुछ और, देन यू नीड टू स्टॉप योर सेल्फ, स्लो डाउन अ बिट, थिंक फर्स्ट एंड देन स्पीक। ठीक है, इससे आप और भी अच्छे से काम माइंड में सोच पाओगे और उसको एक्सप्रेस कर पाओगे। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह आपको डिफरेंट एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस में इस कामनेस को यूटिलाइज करना है और अपने सक्सेस को हासिल करना है। स्टार्ट करते हैं पहले इंपॉर्टेंट पार्ट से, टेस्टिंग प्रोसीजर से एसएसबी के, और वो है स्टोरी नरेशन, जो कि पीपीडीटी पार्ट में आता है। यहाँ पे पहली बात है आपका जो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए वो बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और उसमें कोई नर्वसनेस, शाइनेस, कोई भी फ्रस्ट्रेशन, कोई भी स्ट्रेस ऐसा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि तीन असेसर्स आपके सामने बैठे रहेंगे। तो आपको बिल्कुल जो सीट का बैक रेस्ट होगा उसमें अपने पीठ को लीन इन करके बैठना होगा। डू नॉट लीन इन लाइक दिस कंप्लीटली, बट ट्राई टू जस्ट सपोर्ट योर बैक ऑन द बैक रेस्ट ऑफ द सीट। उसके बाद आपका जो हाथ होना चाहिए वो नीज या थाइस के ऊपर होना चाहिए विथ योर पाम्स डाउन। ओके, तो अगर ये आपका थाइस या नीज है उसके ऊपर यू हैव टू कीप योर हैंड्स लाइक दिस। नाउ व्हेनेवर यू आर सिटिंग स्ट्रेट, डू नॉट सिट टू स्ट्रेट और टू इरेक्ट। इससे असेसर्स को पता चल जाएगा दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल। स्पेसिफिकली जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं, जीटीओ होते हैं, वो ये चीज को नोटिस करेंगे। और अगर आप अपने हैंड्स पे ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो व्हाइल यू आर पुटिंग योर हैंड्स ऑन योर नीज और थाइस, देन ऑल्सो इट विल बी क्लियरली विजिबल दैट यू आर नर्वस। सो जस्ट कीप देम वेरी लाइटली ऑन योर नीज और इन योर थाइस। ठीक है,
नाउ जब आप स्टोरी नरेट करोगे तब आपको हर एक वर्ड के सिलेबल को क्लियरली बोलना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आधा बात आपके मुंह में ही रह जाए, आप बोल नहीं पा रहे हो। और आपको क्या करना है, अपने पिच को थोड़ा लो कर लेना है, पर इतना भी लो नहीं कि बाकी लोगों को सुन नहीं पा रहा है, ठीक है। पर आपको थोड़ा सा क्लियरली बात करना है ताकि इंटरव्यूअर ये चीज को असेस करते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो होते हैं, आईओ जो होते हैं, वहां पे बैठे रहते हैं, तीनों असेसर्स में से ही विल असेस योर पिच, योर स्टाइल ऑफ टॉकिंग एंड नरेटिंग, ठीक है। नाउ इट इज देयर इज नथिंग रॉन्ग इन नरेटिंग अ वेल रिहर्स स्टोरी। इसका क्या मतलब है कि जब आप स्टोरी राइटिंग कर चुके होंगे पीपीटी में, तो आपको थोड़ा सा 5 मिनट का ही सही ब्रेक मिल सकता है, और तब आप अपने दिमाग में उस स्टोरी को रिहर्स कर लिए होंगे कि नरेशन कैसे करना है। पर जब आप उसको नरेट करोगे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप रट के आए हो या यू हैव मग्ड इट अप एंड कम एंड नाउ यू आर नरेटिंग। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू फोकस ऑन हाउ वेल यू आर प्रोनाउंसिंग योर वर्ड्स। जैसे आप अपने वर्ड्स पे फोकस करोगे, आपको ऑटोमेटिकली आपका जो वॉइस है वो इट विल काम डाउन एंड यू विल बी एबल टू नरेट द स्टोरी इन अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोजेक्ट और शो कामनेस इन ग्रुप डिस्कशंस, ठीक है। तो ये ग्रुप डिस्कशंस आपको पता है SSB में 3 times होता है, 3 बार होता है। एक होता है PPTT में, एक होता है आपके ग्रुप डिस्कशन में जो कि ग्रुप टास्क का एक पार्ट होता है, एंड देन तीसरी बार होती है GPE में या फिर MPE में, ओके, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में। तो जब भी ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो, आपको अगेन जैसे आपने बैठ के नरेशन किए थे वैसे ही आपको बैठना है। योर बैकबोन शुड बी अलाइन टू द बैकरेस्ट ऑफ योर सीट एंड योर हैंड शुड बी ऑन योर नीज विथ योर पाम्स डाउन। एंड आपको क्या करना है कि आपका आप जब भी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो, देयर शुड नॉट बी एनी and movements and you should not point out your fingers to anybody, right? तो आपको क्या करना है, आपको basically अपना दिमाग शांत रखना है, क्योंकि group discussion में बहुत सारी बातें होती है। There are people around you who try to cut you short, who try to put their points and not listen to you. तो ऐसे हालात में ज्यादातर candidates जो होते हैं अपने अपने जो है गुस्सा कर लेते हैं, they lose their cool. So you need to be absolutely calm and should not think that okay, people are not listening to me. Okay, just have to be calm and have to find out the right opportunity to intervene, right? Now, never ever raise your voice to get your chance to speak in group discussion. ये एक बहुत ही negative चीज होगा अगर आप करते हो तो। Shouting and yelling will show that you are either feeling very angry or you are completely depressed and you now want to fight back, or you are completely upset because people are not listening to you, or you are afraid that people will never listen to you. तो ये सारे traits अपने shouting and yelling को ऐसे they will interpret, the assessors or the GTO will interpret. So never do this, okay? You will get the chance. So when you get the chance, you get the opportunity, you intervene and try to put your point very calmly. ओके, डो नॉट ऑल्सो, ऐसे भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको चांस नहीं मिला तो बिल्कुल शांत बैठे रहोगे, आप ऐसा भी नहीं करना है। यू हैव टू ट्राई टू स्पीक, बट इट डज नॉट मीन दैट आप बाकी लोगों के साथ यू विल ऑल्सो स्टार्ट शाउटिंग और यलिंग एट द सेम टाइम। नेक्स्ट इज पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में कैसे अपने कामनेस को रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ आप ही इंटरव्यूइंग ऑफिसर आप रहते हो, और आपको पता है कि पर्सनल इंटरव्यूज में ज्यादातर कैंडिडेट्स को ऐसे क्वेश्चंस या सवाल किया जाता है जिससे स्ट्रेस उनका या प्रेशर वाली सिचुएशंस उनके बढ़ जाए। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल द प्री इंटरव्यू पैनिक, ठीक है। कुछ भी नहीं सोचना कि क्या होगा मेरे साथ, पता नहीं मैं क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊंगी या नहीं, बिल्कुल ये नहीं सोचना है। यू डू नॉट हैव टू हैव दिस एंग्जाइटी एंड द पैनिक बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू रूम में प्रवेश करोगे, एंटर करोगे, यू हैव टू वॉक इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर टू द चेयर। डू नॉट सिट डाउन इन द चेयर, वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। यू कैन ग्रीट द इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड व्हेन ही टेल यू टू सिट, यू विल सिट। Okay, don't just go and sit there and then say, okay, good morning, sir. Okay, that will show that you're not waiting for the instructions. Also, you have to stand tall and completely straight. Don't, lean in like this, stoop your back like that. You have to completely stand tall and stand straight behind the chair, obviously. Okay, now do not have this nervousness or fear in you. Do not let the interviewing officer see your hands or your legs shaking. So he will know that you're completely afraid of the interview. You're not having a very good feeling about it. Okay. Now when you sit again, you'll sit the same way. Your backbone should rest with the backrest of your chair. You should sit completely straight with your hands on your knees with palms facing down. Now, do not do too much of nodding. जब आपको question पूछा जाएगा, do not do okay like this or ऐसे ऐसे. ठीक है, सो दिस विल शो दैट यू आर प्रिटेंडिंग टू लिसन टू द इंटरव्यू, यू आर वेरी नर्वस। ओके, लिसन टू देम,
once or twice you can nod down your head, nod your head down, but do not nod your head at every question. Also, जब रैपिड फायर क्वेश्चंस का आंसर आप दोगे, आपको पता है रैपिड फायर क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठा पूछा जाता है, अराउंड 7-8 क्वेश्चंस टुगेदर दे आस्क यू, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर देम स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट, व्हाट पॉइंट्स यू हैव टू एड्रेस इन योर आंसर, बट यू कैन टेक अप्रोप्रिएट ब्रेक्स बिटवीन दी टू डिफरेंट पॉइंट्स. ओके, also you have to be completely calm, you have to look into the interviewer's eyes, also you have to maintain the eye contact, but make sure ki aap bilkul hamesha uske unke aankhon mein nahi dekh rahe ho, theek hai, that will mean that will very seem very creepy, but when you are answering questions to him or when he is asking you question, you should look at his eyes, but when you are answering you can look to the left or right, but you have to come back to his eyes, okay, every now and then. Right now, next is you have to realize that the interview is not to end. You should not move. जब तक end नहीं हो रहता है interview, आप move नहीं करोगे. जब आपको लग चल जाएगा कि interview end होने जा रहा है, तब भी don't move or change your position. It will show that you are restless. You are not able to take the interview now. Now you just want to go. Okay, or you are being impatient. ओके, सो इट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन. कभी कभी हम लोग इनवॉलंटरीली ये कर लेते हैं व्हेन वी नो दैट द सेशन इज अबाउट टू एंड वी शिफ्ट इन अ चेयर. ओके, तो ऐसे इनवॉलंटरीली कर लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा आप एक्चुअली में ना करो, अवॉइड डूइंग इट. राइट, नेक्स्ट आते हैं कि किस तरह कामनेस अपने ग्रुप टास्क में प्रोजेक्ट करना होता है, बिकॉज वहां पे आपको ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट करना पड़ता है, देयर आर डिफरेंट टास्क्स ऑन ग्राउंड एंड आल्सो इंडोर टास्क्स आर देयर. तो आपको क्या करना है, जब ऑब्स्टेकल्स आपको दिखाया जाएगा, यू हैव टू एनालाइज एंड ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, फॉर दैट यू मस्ट स्टे एज फार अवे फ्रॉम द ऑब्स्टेकल एज पॉसिबल. थोड़ा दूर से देखोगे ऑब्स्टेकल को, सो यू विल बी एबल टू एनालाइज इट. इंस्टेड ऑफ रनिंग विद द हेल्पिंग मटेरियल हियर एंड देयर, यू हैव टू यू नो come up with the ideas and try implementing them. ठीक है, पहले ही दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले सोचना है कि क्या करें, then you have to start all your भाग दौड़. Okay, now if your ideas are getting accepted, well and good, but if it doesn't, don't feel depressed कि क्यों मेरा पॉइंट नहीं लिया गया. The GTO is noting down the point, so it matters there. Okay, also do not fight with your group members when the group tasks are on. You have to be very calm, but that does not mean ki aap ek jagah chupchap khade rahoge. Okay, you have to be participating in all the group tasks, of course. Now when the GTO will explain the obstacle to you, you have to put your hand on your waist. Theek hai, waist pe apna hand dal dena, matlab just put your hands on the waist, it will show that you are ready and you are completely prepared and eager to work. Now if someone else is given an idea which is workable and all the rest of the group is taking his or her idea and implementing it, do not stop the group or force the group to take your ideas. Calmly go with the group, okay, because there you have to take your group not as your rivals or competitors, but as your group. Okay, so you should have that kind of connection with the group members as well. Do not think ki unhone kar diya, unhone idea de diya, to the GTO will take that person as his best. Okay, aisa kuch nahi hoga. Now never shout at your group members while giving your ideas or while somebody or the group members are not able to implement it according to your plan or properly, but you should give the instructions or you should tell them to do certain things in certain ways in a very loud and clear voice so that the GTO hears you. ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला के उनको कुछ बोलोगे, डांट दोगे या उनके साथ बहुत बुरे तरीके से बात करोगे. प्लीज मेंटेन योर काम, प्लीज थिंक दैट दे आर नॉट योर सर्वेंट्स, दे आर योर फेलो मैन, दे आर योर पियर्स. ओके, सो आई होप कि आपको पता चल गया है कि सबसे अंडर रेटेड जो क्वालिटी होती है कामनेस, वो कितना काम का है और कितना तरीके से आप अपने एस एस बी के डिफरेंट टेस्टिंग प्रोसीजर्स में इस क्वालिटी को यूज कर सकते हो और अपने एस एस बी प्रिपरेशन में, एस एस बी इंटरव्यू में आपको रिकमेंडेशन आसानी से इस क्वालिटी की वजह से मिल सकता है. आई होप दैट नोबडी एवर विल टेल यू टू इम्प्लीमेंट दिस क्वालिटी, कोई इस क्वालिटी के बारे में बात नहीं करता, बट दिस इज आई गारंटी यू वन ऑफ द best and the most important qualities to crack SSB interview in a very very effective manner. तो ऐसे अगर आपको टिप्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए अपने अपकमिंग SSBs के बारे में, तो आपको हमारे कोर्स SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना है और उसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर. ऑल्सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी रिटन एग्जाम्स, तो आप इस सारे रिटन एग्जाम्स के कोर्सेज भी इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगा. तो आपको बस ये कोड वॉरियर 10 को यूज करना है टू गेट एन एक्स्ट्रा 10% ऑफ ऑन एनी ऑफ द कोर्सेज. सो दैट्स इट, आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहा है. नाउ नेक्स्ट टाइम आई विल मीट यू विद समथिंग मोर हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन. टिल देन यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, मोटिवेटेड एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. जय हिंद.
अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।